तो क्या 5G जल्दी ही आने वाला है, 1 Gbps इंटरनेट स्पीड, ओ भाई। तो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया है टेक ब्यूरो। तो यार देखेंगे तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है, और ये जो भी इवेंट है ये 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। अब हुआ क्या है कि इस इवेंट में 5G को लेके नंबर ऑफ पॉजिटिव न्यूज सामने आई हैं, यानी कि 5G कब आ सकता है इंडिया में, वो कौन सी टेलीकॉम इंडस्ट्री होंगी जो 5G को पहले रोल आउट कर सकती हैं। तो यार ओवरऑल बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बट उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यार जैसा मैंने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है, और इस इवेंट में होता क्या है ना कि इस इवेंट में सब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सीएमडीज वगैरह अपना फ्यूचर प्लान लोगों के सामने रखते हैं, और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे क्या होने वाला है उसका काफी कुछ ट्रेलर मिल जाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं उसका बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। अब इवेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे बातें होती हैं, बट यहाँ पे मेनली हम लोग 5G के बारे में ही बात करेंगे। अब जब 5G की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज ये भी बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस इवेंट को एड्रेस किया था, और उन्होंने भी 5G के ऊपर फोकस रखा और कहा कि हम सबको मिलके एक साथ में काम करना होगा जिससे कि 5G टाइमली रोल आउट किया जा सके। तो यार अब जब टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात होती है तो जियो को कैसे भूल सकते हैं। अब इस इवेंट में मुकेश अंबानी जी ने कहा कि मैं आपको एश्योर करवाना चाहता हूँ कि जियो 2021 के सेकेंड हाफ में इंडिया में 5G रेवोल्यूशन को लाएगा, और ये जो पूरी डेवलपमेंट होगी वो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत ही होगी, यानी कि जो भी 5G के डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे वो इंडिया में बनेंगे, वो मेड इन इंडिया होंगे। तो अब इस कैंपेन को भी यहाँ पे मजबूती मिलेगी, और आप ये चीज तो समझ ही सकते हैं कि जियो कहीं ना कहीं 5G टेक्नोलॉजी पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। और उसके पहले देखेंगे तो लग रहा था कि हुआवे और ZTE के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट के टेंशन चल रहे थे उससे 5G और भी डिले हो जाएगा, बट यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे 5G के डेवलपमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे वो सब मेड इन इंडिया ही रहेंगे। यानी कि यार अब आप देखेंगे कि अगर चीजें ऐसी ही चलती हैं, हम लोग इंडिया में ही सब कुछ 5G की जरूरत की चीजें डेवलप कर लेते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और साथ में ही ये भी कहा जा रहा है कि जो जियो का 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इजीली 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। अब इसके पहले की थोड़ा बात करते हैं तो लगातार हम लोग देखेंगे पिछले कुछ दिनों में कई बाहर की कंपनीज ने जियो में निवेश किया था। इसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे कि गूगल थी, फेसबुक थी, जनरल अटलांटिका थी और भी बहुत सारी थी, बट वहीं पे एक और कंपनी थी क्वालकॉम। अब जियो ने जो भी 5G की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है या जो 5G की टेस्टिंग किया है वो क्वालकॉम के साथ मिलके ही किया है, और इसी टेस्टिंग में उन्होंने 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की थी। अब आप 1 Gbps की स्पीड क्या रहेगी वो आप खुद समझ सकते हैं, उसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अब इसके साथ ही जियो ने ये भी बताया कि वो लोग एक अफोर्डेबल एंड्रॉयड फोन के डेवलपमेंट के लिए गूगल के साथ काम कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि इंडिया में 800 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और उसमें से अभी भी 300 मिलियन लोग 2G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो यार अगर ये चीज है तो ये तो बहुत गलत है। तो यहाँ पे ये जो इनका एक कैंपेन रहेगा, या आप कह सकते हैं जो इनका एक विजन है कि अफोर्डेबल फोन लाना और फिर ये लोगों तक पहुँचाना जो 300 मिलियन लोग 2G नेट यूज कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा कैंपेन हो सकता है। ये तो आप कह सकते हैं ये अच्छा विजन है इनका। अब देखते हैं पिछले कुछ चीज़ों को या पिछले कुछ अचीवमेंट को देख के लगता है कि हाँ जियो इसमें भी काफ़ी कुछ अचीव कर लेगा। और वैसे दोस्तों इंडिया में डिजिटल रिवोल्यूशन जो भी आया है वो जियो का उसमें बहुत बड़ा रोल है, और उन्हीं की वजह से ही हमें इंडिया में इंटरनेट के जो प्राइजेस सबसे सस्ते देखने को मिलते हैं कंपेयर टू आप किसी भी अदर कंट्री को देख सकते हैं, वो जियो का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद ये भी बात करना जरूरी है कि इंडिया में 5G डिले क्यों हो रहा है। तो इसका एक मेन रीजन तो कोविड भी रहा है, क्योंकि पहले जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था वो मार्च 2020 में होना था, फिर कोरोना की वजह से वो सितंबर 2020 में चला गया। अब शायद वो सितंबर से भी और डिले होके मार्च 2021 में चला गया है। तो यार अब जियो का 5G डेवलपमेंट प्लान प्लस 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन ये सब मिला के आप ऊपर ऊपर से 2022 की टाइमलाइन कंसीडर कर सकते हैं टोटल या कंप्लीट 5G रोल आउट के लिए।
तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे जो कोई भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट यार जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।